हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ प्रीति गुप्ता और मेरे चैनल प्रीति क्रिएशन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे बालों के जुओं को पूरी तरह से ख़त्म करें। फ्रेंड्स, बालों में जुए हमारे सिर दर्द का कारण बन जाती है और इसी की वजह से हम हमारे बालों की स्केल्प का भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। जुए और लीक होने की वजह से हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है और इसी की वजह से हमारे बाल टूटने और झड़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, जुए के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ये बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडों का प्रोडक्शन देती है और जब बहुत ज़्यादा अंडों का प्रोडक्शन देती है तो जुए भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमारे बालों में फैल जाती है और इसी की वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा जुए बालों में होने के कारण जुए हमारे कपड़ों पर गिर जाती है और कोई अगर हमें कह दे कि आपके सिर से आपके कपड़े के ऊपर जुए गिर गई है या आपके सिर में जुए चल रही हैं, उस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये नुस्खा आपको 100% वर्क करने वाला है डेफिनेटली। और आप जब आप इस नुस्खे का प्रयोग कर ले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए इस नुस्खे ने कैसे काम किया। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले जो इन्ग्रीडियंट लेने वाले हैं दोस्तों, वो है नींबू। अभी आप सोच रहे होंगे कि जुए ख़त्म करने में नींबू किस प्रकार से काम करेगा। तो देखिए, हमने एक बॉल ले ली है। इस प्रकार से नींबू को हमें आधा कट कर लेना है। दोस्तों, नींबू में विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड भर भर कर होता है। आपने मैंने सभी ने कई बार सुना है कि नींबू डैंड्रफ को रिमूव करता है। जी हाँ दोस्तों, नींबू डैंड्रफ को पूरी तरह से रिमूव कर देता है, साथ ही साथ कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को भी मिटा देता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, डैंड्रफ को भी रिमूव करता है। अगर आपके बालों में इचिंग आ रही हो, खुजली हो रही हो, किसी प्रकार का फंगल हो, तो उस प्रॉब्लम को भी नींबू लेमन पूरी तरह से निकाल लेता है। देखिए, मैंने बॉल में आधा कटा हुआ नींबू का रस निकाल लिया है और फिर मैंने इसमें से बीज निकाल कर अलग कर दिए हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो लेने जा रहे हैं दोस्तों, वो है नारियल का तेल। इसमें हमें कम से कम आधा चम्मच नारियल का तेल लेना है। दोस्तों, नारियल के तेल में विटामिन ई होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर नारियल का तेल लेना हो। आप जो भी तेल उपयोग करते हो अपने बालों के लिए, आप वो तेल उपयोग कीजिए, जो भी सूटेबल हो आपके बालों के लिए आप वो लीजिए। जैसे कि मैंने आधा चम्मच नारियल का तेल ले लिया है। अभी आप तीसरा इंग्रेडिएंट जो देख रहे हैं दोस्तों, वो है नीम का तेल। जी हाँ दोस्तों, इस नुस्खे में अगर सबसे ज़्यादा काम करने वाला प्रोडक्ट है तो वो है नीम का तेल। दोस्तों, नीम का तेल बालों से जुओं को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर देता है क्योंकि ये विषैला पदार्थ या कड़वा होता है। नीम का तेल हमारे बालों की जड़ों से पूरी तरह से जुओं को निकाल देता है। और अगर साथ ही साथ अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो या आपके बालों में कहीं चोट लगी हो तो ये उसे भी ठीक कर देता है क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्कैल्प में कीटाणुओं को, वायरस को ख़त्म करती है। अब आपको बताती हूँ कि आपको इसका उपयोग कैसे करना है। आपको नहाने के 2 घंटे पहले अपने बालों में, बालों की जड़ों से लेकर पूरे बालों तक इसकी पूरी मसाज कर लेना है। आप एक काम कीजिए, इसे रात को ही लगा लीजिए और सुबह वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद आप इसे कंघी कीजिए। वॉश करते वक्त ही आप देखेंगे कि काफ़ी जुए आपकी बाहर निकल गए होंगी। और ये नुस्खा आप हफ्ते में 2-3 बार आजमा लीजिए, जुए जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।